की राजनीति, पिता पत्नी की राजनीति, पति पत्नी की राजनीति यही चल रही है। जब तक राजनीति को साधारण घरों में शिफ्ट नहीं करिएगा, जब तक साधारण घरों में ताकत नहीं दीजिएगा, जब तक साधारण लोगों को मौका नहीं दीजिएगा, ये राजनीति नहीं बदल पाएगी। इसलिए आप सबसे कहना चाहते हैं कि झारखंड के नौजवानों ने जो नए इंकलाब की आवाज को जन जन तक पहुंचाया है, इस इंकलाब की आवाज को, इस क्रांति की आवाज को, इस बदलाव की आवाज को आप लोग घर घर तक लेकर के जाइए और पूरे गांव घर में ये बात कहिए कि इस बार ये जो बड़े बदलाव की तैयारी है झारखंड के अंदर, इन नौजवानों की बात में बहुत दम है, इन्हें बिल्कुल साथ देना चाहिए। हम लोग क्या कह रहे हैं 3 साल से, यही बात कह रहे हैं कि अगर बिहार वाले बिहारी हक की बात करते हैं, अगर महाराष्ट्र वाले मराठी हक की बात करते हैं, पंजाब वाले पंजाबी हक की बात करते हैं, बंगाल वाले बंगाली हक की बात करते हैं, तो हम झारखंडी हक की बात कर रहे हैं और बिल्कुल सीना ठोक कर ये बात करेंगे। और इस बात को भी याद रखिए, मैं सब जगह कहता हूं, यहां भी बात को याद दिलाता हूं कि देखिए हम लोगों के आंदोलन का असर कि आजादी के बाद चतरा में कभी स्थानीय आदमी सांसद नहीं बना, कभी उन लोगों को टिकट भी नहीं मिला, और आज की तारीख में ये हमारे आंदोलन का असर है कि तमाम दिल्ली के राष्ट्रीय राजनीतिक दल आज हमारे आंदोलन के कारण खतियानी प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं और खतियान धारियों को टिकट देने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस बात को मान करके चलिए कि हम लोगों ने पहली लड़ाई जीत ली है, दूसरी लड़ाई हम लोग 4 जून को जीतने जा रहे हैं, इस बात की आप तैयारी करिए। और मैं सभी जगह कहता हूं, ये झारखंड की धरती सिर्फ क्रांतिकारियों को पैदा करती रही है और ये धरती इतनी बांझ नहीं हुई है कि हम अपना नेता नहीं पैदा कर सकते हैं। इसलिए कोई बक्सर से आया हुआ आदमी हजारीबाग का सांसद नहीं हो सकता है, कोई बिहार से आया हुआ आदमी चतरा का सांसद नहीं हो सकता है, कोई बिहार से आया हुआ आदमी गोड्डा का सांसद नहीं हो सकता है, कोई राजस्थान से आया हुआ आदमी रांची का सांसद नहीं हो सकता है, कोई उत्तर प्रदेश से आया हुआ आदमी आपके धनबाद का सांसद नहीं हो सकता है। अब झारखंड का सांसद ऐसे ही झारखंड के गांव गलियारे से निकल करके बनेगा, इस बात की आपको तैयारी करनी होगी और झारखंड को बचाना होगा, ये बात मैं आप सबको कहने आया हूँ। तो आप सब साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। रात के 1 बजे तक अभी इस तरह का कार्यक्रम हम लोगों का चलता रहता है, कई जगहों पर और जाना है, आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है, इसी आशीर्वाद की बुनियाद पर हम लोग ये लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे, इस बात का पूरा भरोसा है। और आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि कई लोगों ने ये कहा, अरे बाबू तो इन इतना गावे घरे जाके समझेले आते तो इन पारो पारभाई सबसे हेलीकॉप्टर उड़वो लग थो, करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा करो लगत हो, गावे गांव पैसा बांट लथो, तो हेली कहाँ टिका कालिए, जहाँ पर इतने हमारे गांव घर के लोग, माँ चाची दादा दादी भाई बहन सब लोग इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो जिस माथे पर इतने आशीर्वाद का हाथ हो वहां पर दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत जाएंगे, ये तो सिर्फ एक चुनाव है, इस बात का पूरा भरोसा रखिए।